हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कृतिका शानवी क्राफ्ट एंड कुकिंग बाय अर्चना। आज मैं आपके साथ मूली के सलाद की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। मूली का सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ दो मूली ले लिया है और अब हम इसे एक पीलर की हेल्प से छील कर इसे रेडी कर लेंगे। मूली छीलने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेते हैं और अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर यूज़ किया है, आप चाहें तो इससे बड़ा ग्रेटर भी यूज कर सकते हैं, बट बारीक वाले का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। तो मैं यहाँ बारीक वाले ग्रेटर से ही मूली को ग्रेट करके रेडी कर लूँगी। तो यहाँ सारे मूली अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं, तो मूली में पानी काफ़ी निकलता है, तो हम इसे एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी अच्छी तरह से इसे दबाकर पानी को रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से हम मूली को छानकर रेडी कर लेंगे। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें डाल देंगे सबसे पहले नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ा सा हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुटा हुआ काली मिर्च, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। एट लास्ट हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सलाद बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत कम मेहनत लगता है और हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मूली के सलाद आप चावल के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।